दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही यशराज फिल्म्स ने पठान की रिलीज डेट अनाउंस करके हम सभी मूवी फैंस को शॉक कर दिया था। और ये एक्साइटमेंट अभी खत्म ही नहीं हुई है कि आज फिर यशराज फिल्म्स ने धमाका करते हुए उनकी अगली फिल्म टाइगर 3 की भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि हर मूवी लवर्स ने गेस कर लिया था कि टाइगर 3 ईद पर आ सकती है, तो आज फाइनली हुआ भी यही। और टाइगर 3 अब रिलीज होने वाली है 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2023 की बात कर रहा हूँ, 2022 की नहीं। जी हाँ, अगले साल 21 अप्रैल 2023 को टाइगर 3 रिलीज होगी। तो फ्रेंड्स, यशराज फिल्म्स ने आज इसके लिए एक शॉर्ट डेट अनाउंसमेंट का वीडियो रिलीज किया, जिसमें सबसे पहले हमको दिख रही हैं कैटरीना कैफ, जो कि ट्रेनिंग ले रही हैं बहुत ही खतरनाक तरीके के स्टंट्स की, एक्शन स्टंट्स की। और उसके बाद स्क्रीन पर आते हैं हमारे टाइगर मतलब सलमान खान, और हमको बताते हैं कि जल्दी ही वो हमारे से मिलने आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद रिलीज डेट आती है 21 अप्रैल 2023, और ये एक साल बाद की रिलीज डेट है, तो ये कैसे जल्दी हुआ ये तो भाई टाइगर भाई ही जाने। वैसे फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये बताया तो नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार टाइगर 3 में मेन विलेन का रोल कर रहे हैं इमरान हाशमी। जी हाँ, सलमान खान के अपोजिट टाइगर 3 में दिखने वाले हैं हमें इमरान हाशमी। बाकी इसके अलावा तो हमें पता ही है, और जैसा कि मैंने इससे पहले पठान की जब डेट रिलीज वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यशराज फिल्म्स अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसमें 3 स्पाई होंगे। पहला होगा वॉर में जो कबीर था मतलब ऋतिक रोशन, दूसरे हैं पठान के शाहरुख खान, तीसरे हैं टाइगर के सलमान खान। ये तीनों का एक स्पाई यूनिवर्स बनने वाला है, और इसकी शुरुआत होने वाली है पठान मूवी से, जिसमें पठान मूवी में तो शाहरुख खान का मेन रोल है, लेकिन इसमें बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सलमान खान का भी। सलमान खान एज अ टाइगर इस मूवी में आएंगे, और उसके बाद जब अप्रैल में टाइगर 3 रिलीज होगी, तो उसमें भी पठान का मतलब शाहरुख खान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और वो भी इसमें आएंगे एज अ पठान। और उसके बाद आगे चल के इन तीनों एक्टर्स की एक बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है, जो कि अभी फ्यूचर में प्लांट है, अभी उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि पहले ईद 2023 पर शेड्यूल थी सलमान खान की ही एक और फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जिसके वो कल ही मतलब प्रीपोन किया गया, कल ही अनाउंसमेंट हुई कि अब कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होगी 30 दिसंबर 2022 को, मतलब इस साल की लास्ट रिलीज रहेगी कभी ईद कभी दिवाली। और कल जैसे ही ये न्यूज़ आई कि ये प्रीपोन हो गई है, तभी से सबने गेस कर लिया था कि अब ईद पर टाइगर 3 आएगी, और आज वैसा ही कुछ हुआ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लाइन है इस पूरे साल, और आगे 2023 में भी एक से बढ़कर एक फिल्म आने वाली है। तो बस देखेंगे कि ये फिल्में उतनी ही अच्छी हों जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरें। बस हमारी यही विश है कि ये फिल्म वैसी की वैसी हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप कितने एक्साइटेड हैं यशराज फिल्म्स के इस स्पाई यूनिवर्स को लेके, या फिर पठान और टाइगर 3 को लेके, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।